क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के प्रोग्राम का संदेश ये है कि हमारे 75 साल का जो इंडिपेंडेंस का समारोह हम मना रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, तो ये सिर्फ यूनिफॉर्म फोर्सेस का उत्सव नहीं है, ये पूरे भारत देश का है। और ऐसे उत्सव हम मनाकर पूरे यूथ को भी ये बताना चाहते हैं कि ये हमारे को इंडियन होने का प्राइड होना चाहिए, हमारे को स्पोर्ट्स एंड गेम्स में अपने आप को फिजिकली फिट बनाकर देश को आगे ले जाना का संकल्प करना चाहिए आज के तौर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इंडियन आर्मी और सारे यूनिफॉर्म फोर्सेस फिजिकल फिटनेस के ऊपर काफ़ी तवज्जो देते हैं, और नीरज चोपड़ा हमारा एक ऐसा ही एक ओलंपियन है जिसने अभी गोल्ड मेडल हासिल किया। ओलंपिक टीम में सिर्फ नीरज चोपड़ा नहीं, काफ़ी सारे फौजी और CAPF के जवान थे जिन्होंने हमारे को पूरे देश को प्राउड किया है। उनको देखकर हमारा जो यूथ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, और स्पोर्ट्स एक ऐसा एरेना है जिसके अंदर आप अपने आप को फिट रख सकते हैं और देश को प्राइड के लिए अग्रसर कर सकते हैं। सो इट इज़ समथिंग दैट वी मस्ट डू। एरिया की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दृढ़ संकल्प चाहिए, यू रिक्वायर मेंटल रेजिलियंस एंड फिजिकल फिटनेस कम्स ऑटोमेटिकली, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अगर थोड़ी भी जगह आपके पास है तो आप वहाँ पर योगा कर सकते हैं, प्राणायाम एक अच्छा तरीका है, खड़े खड़े ध्यान, सो मेनी एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू, यू कैन इवन एक्सरसाइज व्हाइल सिटिंग ऑन अ चेयर, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल वेरी इजीली टुडे, गूगल इज समथिंग दैट एवरीवन इज गॉट एक्सेस टू, सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट, बिकॉज मेंटल फिटनेस एक्चुअली फ्लोज आउट ऑफ फिजिकल फिटनेस टू क्वाइट अ लार्ज एक्सटेंट, सो अनलेस द यूथ doesn't keep itself fit, it will be very difficult for them to undertake any hard labor, whether mental or physical.